नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा में अब चंद रोज ही बचे हैं, लेकिन वहां पर भारतीय मूल के लोगों में इस यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। वहां पर यात्रा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के अमेरिका आगमन से पहले रविवार को वाशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मा जोशी से स्वागत करने के लिए एकता मार्च निकाला है। भारत की सैन्य शक्ति किसी भी देश के नापाक हरकतों को करारा जवाब देने के लिए काफी है, लेकिन इसको और मजबूत करने के लिए थिएटर कमांड की नींव रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें तीन सेनाओं की ताकत को मिलाकर और बेहतर बनाया जाएगा। बता दें कि थिएटर कमांड दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाएगी। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता को लेकर बहस तेज हो चुकी है। इसी बीच अब आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। संगठन का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाना चाहिए और इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश भर में एक जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इस फोरम के मुख्य संयोजक इंद्रेश कुमार ने दावा किया कि बाकी देशों में मौजूद मुस्लिमों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आदि पुरुष फिल्म को लेकर भारत ही नहीं नेपाल में भी विवाद मचा हुआ है। फिल्म में कथित आपत्तिजनक शब्दों और सीता के चित्रण को लेकर आज से राजधानी काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने इस फैसले का बचाव किया, लेकिन नेपाल सरकार के सूचना संचार मंत्रालय ने इस कदम को सही नहीं बताया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोपों का जवाब दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा था कि अदानी की कंपनी IRCTC को टेकओवर कर लेगा। इस पर IRCTC ने जवाब देते हुए कहा कि अदानी के ट्रैकमैन से कोई खतरा नहीं होगा। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के वीडियो पर बीजेपी नेता बबीता फोगाट का जवाब आया है। साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बताया कि जनवरी में जब आंदोलन हुआ उसकी अनुमति बबीता फोगाट ने ही ली थी। वीडियो में साक्षी मलिक ने अनुमति का लेटर भी दिखाया था, लेकिन बबीता फोगाट ने कहा कि उनकी सहमति लेने का कोई प्रमाण नहीं और ना ही दूर दूर तक इससे उनका कोई भी लेना देना है। मामला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का फैसला लिया। रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसे सावरकर को पुरस्कार देने जैसा बताया है। IPS अधिकारी रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी रवि सिन्हा 30 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। फिलहाल सामंत गोयल रॉ के प्रमुख हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर ने अपने कामकाज संभालने के साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थिति सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। राज्यपाल ने सभी यूनिवर्सिटी को अपना सेशन और परीक्षा नियमित करने का टास्क दे रखा है। इसके साथ ही सूबे में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में इस सत्र से 24 बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित 4 साल के स्नातक कोर्स की शुरुआत का ऐलान किया गया है, लेकिन बिहार सरकार ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राजभवन को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारत सरकार ने 2025-26 तक प्रौद्योगिकी को देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 20-25% करने का लक्ष्य रखा है। भारत के IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय अमेरिकी कारोबारियों से यह बात कही है। साथ ही उन्हें भारत में निवेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 9 साल में डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार हुआ है, इसमें वेरिएशन आया है और इस समय तकनीकी क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भारतीय उद्यमी भारतीय स्टार्टअप मौजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी नित पंजाब सरकार ने रविवार को कहा है कि वह स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का निःशुल्क प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में संशोधन करेगी। सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। भारतीय सशस्त्र बल पहली बार बड़े स्तर पर क्रॉस पोस्टिंग की योजना बना रहे हैं, जिसमें ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच अधिक तालमेल बढ़ाने के लिए समानता लाना है। क्रॉस पोस्टिंग के तहत तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए एक निश्चित समय के लिए दूसरी सेना में भेजा जाएगा। जैसे थल सेना का कोई अधिकारी है तो उसे कुछ दिनों के लिए नेवी और एयरफोर्स में जिम्मेदारी संभालनी होगी। दोनों सेनाओं में थोड़ा थोड़ा दिन रहकर वह अपनी रैंक के हिसाब से काम देखेंगे। कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष पर चीन को क्लीन चीट देने की निंदा की और कहा कि इसके बाद उनकी चुप्पी ने भारत की बातचीत की स्थिति को कमजोर करने में योगदान दिया है। उन्होंने 19 जून को
चीन पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का एक वीडियो भी संलग्न किया। गौरतलब है कि कांग्रेस चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना कर सवाल उठाती रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिकी यात्रा से पहले पाकिस्तान ने भारत और अमेरिका के बीच होते गहरे संबंधों पर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई भाषा को एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान को अमेरिका के भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि पाकिस्तान के कीमत पर ना हो। सरहद पर तैनात जवानों को अब एक नया काम दिया गया। बॉर्डर एरिया में जहां उनकी तैनाती की गई है, वहां के गांवों के 2000 सालों के इतिहास से जुड़ी जानकारियां जवानों को इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे सीमा पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन भी कम होगा। बता दें कि इस काम की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले मिस्र दौरे के दौरान 11वीं सदी के अल हाकिम मस्जिद जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी 20 जून को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना होंगे। उनकी यात्रा के कुछ दिन पहले ही यह खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को बाधित करने की साजिश रची थी, जिसका पर्दाफाश हो गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ISI ने पीएम मोदी के दौरे पर से पहले अमेरिका में सक्रिय कई खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ साथ भारत के खिलाफ काम करने वाले कई समूहों के साथ बैठकें की, जिसका मकसद भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देना है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान विपर जॉय ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, लेकिन इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश और जलभराव से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तूफान का असर रेलवे और हवाई सेवा पर भी देखने को मिल रहा है। रेलवे ने फिर से राजस्थान से जुड़ी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए। साथ ही जयपुर एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट को भी कैंसिल किया गया है। अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। 2026 तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत को लेकर यात्री काफी उत्सुक हैं। मुंबई से अहमदाबाद के अलावा और देश के 3 प्रमुख शहरों को भी बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में देश के नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में भी बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के पंजाबी बहुल सरे में स्थित गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह सरे में गुरुवार नानक सिंह गुरुद्वारा का अध्यक्ष था। निज्जर अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था, जो भारत में प्रतिबंधित है। उसने ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान जन्म संग्रह कराने में अहम भूमिका निभाई थी। आधार कार्ड की संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने लोगों को सहूलियत देने के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में अब आप 24 घंटों में कभी भी अपने आधार को कोई भी परेशानी का हल आसानी से पा सकते हैं। इसके लिए इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस तकनीक का इस्तेमाल करके नया टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है। ये 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी UIDAI ने ट्वीट करके दी है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कई मामलों में केंद्रीय एजेंसी का सहयोग नहीं करने का इल्जाम लगा है। अक्सर यह सामने आता है कि बंगाल सरकार जांच एजेंसियों की कोई लंबित मामलों के दस्तावेज नहीं दे रही है, जिससे जांच अटकी हुई है। अब केंद्रीय एजेंसी ने इन सभी शिकायतों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंता ने केस दाखिल करने की अनुमति दे दी है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने मई महीने में 10,000 करोड़ से ज्यादा के स्मार्टफोन भारत में से एक्सपोर्ट किए। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक कंपनी ने अप्रैल और मई महीने में 20,000 करोड़ से ज्यादा के फोन भारत से एक्सपोर्ट किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। पिछले साल अप्रैल और मई में महीने में 9,066 करोड़ से ज्यादा के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए गए थे। साल 2023 में भारत से एप्पल आईफोन का निर्यात लगभग 4 गुना बढ़कर $5 बिलियन के पार हो गया। इसकी वजह कंपनी के द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग में लाई गई तेजी है। एशिया कप 2023 के आयोजन की तस्वीर साफ होने के बाद अब सभी को उम्मीद है कि जल्द ही ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। भारत में होने वाले आगामी मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है। इसी कारण अभी तक ICC शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान नहीं कर सका है। वहीं इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जावेद मियादान ने एक बार फिर भारत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि क्रिकेट में राजनीति नहीं लाई जानी चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में पाकिस्तान को भी वहां खेलने नहीं जाना चाहिए। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों को आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, अकबर अंसारी, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद इरफान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।